बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डेयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जैसे ही साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस इशू हुआ था, तो उसके बाद जो आर्ट्स के बच्चे थे और कॉमर्स के बच्चे थे तो वो बार बार उनके एक ही सवाल था, जब भी वीडियो बनाएं कोई भी मतलब जिस टॉपिक पर मर्जी वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में उनका एक ही सवाल होता था कि सर हमारा सिलेबस आएगा या नहीं आएगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है कि उनका स्मार्ट सिलेबस जो है वो इशू हो चुका है। तो वो स्मार्ट सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो हैं सबसे पहले लिस्ट देख लें कि कौन कौन सी बुक्स फर्स्ट ईयर की जिनका स्मार्ट सिलेबस शार्ट किया गया है, मतलब सिलेबस, वो एग्रीकल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, अरबी, बिजनेस, मैथमेटिक्स जो कि आई काम का सब्जेक्ट है, बायो केमिस्ट्री, सीविक्स, सीविक्स नॉन मुस्लिम के लिए, क्लाथिंग एंड टेक्सटाइल, मईशियात, इकोनॉमिक्स, तिबी जुग्राफिया, अमली टैक्स बुक जुग्राफिया, जियोलॉजी, सेहत और जस्मानी तालीम, तारीख इस्लाम, अखलाकियात, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया, तारीख पाकिस्तान, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, लाइब्रेरी साइंस, नर्सिंग एंड पाकिस्तानी कल्चर, होम इकोनॉमिक्स, आई काम की असूल तजारत, आई काम की अकाउंटिंग, आई काम की असूल मईशियात, इमरानियात, स्टेटिस्टिक्स, ICS के बच्चों के लिए, उर्दू इख्तियारी मज़मीन जो रखते हैं, इल्म तलीम मतलब एजुकेशन, मिलिट्री साइंस, म्यूज़िक, मबादियात फ़लसफ़ा, नफ्सियात, फ़ाइन आर्ट्स, फारसी, इस्लामियात इख्तियारी, पंजाबी और होम मैनेजमेंट। इन तमाम सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस जो है वो इशू हो चुका है। तो डेयर स्टूडेंट्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस स्मार्ट सिलेबस में आपने टॉपिक्स और क्लास वर्क, होमवर्क जो है वो आपने सब कुछ करना है। टॉपिक्स जो हैं उसमें से भी शार्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्लास वर्क, होमवर्क में जो शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे करने हैं। दो नीचे जो नोट दिए गए हों उनको भी आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिक्स आई कॉम का सब्जेक्ट, उसका स्मार्ट सिलेबस सामने आ रहा है आप लोगों के। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर कंप्लीट हैं, लेकिन उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनको कम कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन शुड बी गिवन फ्रॉम द इंक्लूडेड टॉपिक्स। ये नोट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तमाम जो है जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसी में से ही होंगे। टोटल 10 चैप्टर थे जो कि 6 कर दिए गए हैं, तो अच्छी खबर है बिजनेस मैथ वालों के लिए, आई कॉम के बच्चों के लिए। बायो का सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, तो इसलिए इसको मैं स्पीड में ले जाऊंगा। केमिस्ट्री का भी शेयर हो चुका है, इसे आप चैनल पे देख सकते हैं। सिविक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे थे सिविक्स के शार्ट सिलेबस के मुतालिक, तो सिविक्स का स्मार्ट सिलेबस जो है वो आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं। बाब नंबर 1, बाब नंबर 2 आपके पेज पे सामने नज़र आ रहे हैं आपको पेज पर। उसके बाद बाब नंबर 3 जो है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाब नंबर 4, बाब नंबर 5 का कुछ टॉपिक, इसमें क्लास वर्क और होमवर्क में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस यही माइंड में रखना है कि टॉपिक्स, क्लास वर्क और होमवर्क जितने भी इनमें से सवाल दिए गए हैं या टॉपिक्स में दिए जा सकते हैं, आपने सब कुछ तैयार करना है। बाब नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पेज पे आपको शो हो रहा है। बाब नंबर 6, बाब नंबर 7 सिविक्स का, बाब नंबर 8 और बाब नंबर 9।
नोट में वही बात दोहराई जा रही है जो मैंने आपको बताई है कि क्लास और होमवर्क वर्क में दिया गया सवालात के बुनियादी मकसद तलबा को सवालात की नोयत से आगाह करना है। इससे हर किसी ये मुराद ना ली जाए कि पेपर में यही सवाल आएंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाले ALP में मौजूद मवाद में से पेपर या सवालात बना सकते हैं। मतलब आप लोगों ने टॉपिक्स भी करना है, सिर्फ सवालात होमवर्क और क्लास वर्क पर ही डिपेंड नहीं करना आप लोगों ने। सिविक्स फॉर नॉन मुस्लिम, ये उनका सिलेबस है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 फॉर नॉन मुस्लिम सिविक्स स्टूडेंट्स, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर का। टॉपिक नंबर 2 और 3 इस पेज पर आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में जो पूछे जा सकते हैं वो प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक्स का जो जनरल साइंस के बच्चे हैं या आर्ट्स के बच्चे हैं जो के मईशियात को एज अ सब्जेक्ट इख्तियारी सब्जेक्ट रखते हैं तो उनका सिलेबस बाब नंबर 1, बाब नंबर 2 जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये टॉपिक्स करने हैं, और साथ साथ जो क्लास वर्क होमवर्क में तफसीली और शार्ट क्वेश्चन या मरूजी सवालात दिए गए हैं ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेनी है। बाब नंबर 3 एंड बाब नंबर 4, बाब नंबर 5 और बाब नंबर 6। तो बाब नंबर 6 का बकिया क्लास वर्क और होमवर्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बाब नंबर 7, बाब नंबर 8 और बाब नंबर 9 जो है वो मुकम्मल करना है। बाब नंबर 10 और बाब नंबर 11 इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा है। बाब नंबर 12, उसके बाद तिब्बी जुग्राफिया, यहाँ पे आपको तिब्बी जुग्राफिया के 8 चैप्टर शो हो रहे हैं इस पेज पर आप लोगों के सामने, तो आप लोग इन पे नज़र दुरा सकते हैं। बाब नंबर 9 तिब्बी जुग्राफिया का, उसके बाद अमली टेक्स्ट बुक जुग्राफिया, उसके 6 चैप्टर जो हैं टोटल 6 चैप्टर हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जियोलॉजी का अर्जियात का ये चैप्टर, अर्जियात के बाद फिज़िकल एजुकेशन मतलब सेहत और जिस्मानी तालीम जो कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है, उसका बाब नंबर अव्वल, बाब नंबर सोम, बाब नंबर चहारम, मतलब बाब नंबर दोम नहीं दिया गया, बाब नंबर पंजम, फिर उसके बाद हिस्सा दोम इल्म सेहत का, बाब नंबर दोम, बाब नंबर चहारम, बाब नंबर पंजम। नेक्स्ट तारीख़ इस्लाम, तारीख़ इस्लाम के आपको स्मार्ट सिलेबस सामने शो हो रहा है। तारीख़ इस्लाम के बाद बाब ششم,
باب ہفتم خلافت راشدیہ، باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہارم خلافت راشدیہ کا، خلافت بن امیہ، اخلاقیات نیکسٹ سبجیکٹ، اس میں چیپٹر نمبر ون، چیپٹر نمبر ٹو کا کچھ حصہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ بھی آپ کو اخلاقیات کے شو ہو رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر ٹو پاکستان میں مختلف مذاہب آپ کو شو ہو رہے ہیں، اس کا شارٹ سلیبس۔ چیپٹر نمبر تھری، چیپٹر نمبر فور، چیپٹر نمبر فائیو، اس میں مختلف شخصیات جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں۔ ہسٹری آف ماڈرن ورلڈ نیکسٹ سبجیکٹ، ہسٹری آف مسلم انڈیا، تاریخ پاکستان جس میں شاہ ولی اللہ خدمات، جنگ آزادی، چیپٹر نمبر تھری سر سید خدمات وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر ٹین، الیون، ٹویلو، تھرٹین اور فورٹین تک یہ تاریخ پاکستان۔ تاریخ پاکستان کے بعد اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، بیک گراؤنڈ آف اسلام، دارلی خیلف، دا امیاز، لائبریری سائنس، لائبریری سائنس میں سیکشن ون، سیکشن ون کے بعد سیکشن ٹو اور سیکشن تھری، سیکشن تھری کا کچھ جو حصہ رہ گیا ہے آپ کے سامنے، مٹی کی تختیاں، یہ چیپٹر نمبر تھری کا تھرڈ سیکنڈ ٹاپک، اس کے بعد سیکشن نمبر فور، سیکشن نمبر فائیو نرسنگ، نرسنگ کے جو پریکٹیکل ہیں، اس کے بعد پاکستان کلچر ایک الگ مضمون، چیپٹر نمبر ون، ٹو، تھری، فور، فائیو، اس چیپٹر جو ٹوٹل بک ہے پاکستان کلچر کی وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کا سمارٹ سلیبس۔ پھر ہوم اکنامکس، ہوم اکنامکس کا حصہ اول، بچوں کی نشو نما اور خاندانی تعلقات، اس پیج پر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ تھیوری کا پارٹ ہے یہ، حصہ دوم، اس کا باب نمبر ون، ٹو، فور، سیون، مطلب تھری، فائیو اور سکس باب نہیں ہے، وہ آپ کو شارٹ سلیبس کر کے جو دیا گیا ہے سلیبس وہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر شو ہو رہا ہے۔ حصہ سوم، باب نمبر ون، ڈیزائن کی اقسام، باب نمبر ٹو، یہ آپ کا ہوم اکنامکس کا سلیبس، اس کے بعد آئی کام کے بچوں کے لیے جو زبردست سلیبس جو ہو ان کا شارٹ، باب نمبر ون، باب نمبر ٹو، باب نمبر تھری اور باب نمبر فور، اس پیج پر آپ کے سامنے سکرین ہو رہے ہیں۔ اصول تجارت کا مطلب پرنسپل آف کامرس، باب نمبر ایٹ، باب نمبر نائن، ٹین، الیون، ٹویلو، تھرٹین اور فورٹین،
अकाउंटिंग पार्ट वन आई कॉम के बच्चे, पहला चैप्टर, दूसरा अकाउंटिंग क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फाइव सिक्स चैप्टर इस पेज पर आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं स्क्रीन पर। सिक्स का कुछ पार्ट शो हो रहा है। चैप्टर नंबर सिक्स का बकिया पार्ट और चैप्टर नंबर सेवन एट चैप्टर नंबर नाइन और टेन। अकाउंटिंग के बाद इकोनॉमिक्स का ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि आईकॉम की ही बुक है, पहला चैप्टर मुकम्मल, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ज़मीन मेहनत सरमाया तंजीम के बारे में, बस बाब नंबर फोर, बाब नंबर फाइव, बाब नंबर सिक्स और बाब नंबर सेवन, बाब नंबर एट के टॉपिक्स, बाब नंबर नाइन के टॉपिक्स, उसके बाद बाब नंबर टेन, बाब नंबर अलेवन, बाब नंबर ट्वेल्व, बाब नंबर थर्टीन, बाब नंबर फोर्टीन, बाब नंबर फिफ्टीन, इमरानियात आर्ट्स के बच्चों के सब्जेक्ट, बाब नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव के टॉपिक्स जो जो करने हैं, उसके बाद बाब नंबर फाइव, सिक्स, सेवन, एट, बाब नंबर नाइन और बाब नंबर टेन, फिर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर थ्री स्टैटिस्टिक्स का। क्लास वर्क, होमवर्क वाले सवाल भी करने हैं, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सवाल भी करने हैं, पेज नंबर के तौर पर ये दिए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स के बच्चे जो हैं वो ये सिलेबस जो हैं वो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर थ्री के बाद चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फाइव, चैप्टर नंबर सिक्स, चैप्टर नंबर सिक्स, चैप्टर नंबर सेवन को स्किप कर दिया गया है, फिर चैप्टर नंबर एट, चैप्टर नंबर एट के बाद चैप्टर नंबर नाइन। तो ये स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। उसके बाद उर्दू इख्तियारी जो बच्चे रखते हैं, उर्दू इख्तियारी के बच्चे जो हैं, उसके बाद एजुकेशन, बाब नंबर वन, बाब नंबर टू इस स्क्रीन पे एजुकेशन का नज़र आ रहा है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, बाब नंबर थ्री और बाब नंबर फोर, बाब नंबर फाइव और बाब नंबर सिक्स, बाब नंबर सेवन और बाब नंबर एट एजुकेशन, फिर मिलिट्री साइंस, म्यूजिक, म्यूजिक के बाद मुबादियात फलसफा, बाब नंबर वन, बाब नंबर टू, बाब नंबर थ्री और बाब नंबर फोर इस पेज पर आप लोग देख सकते हैं मुबादियात फलसफा का। फिर बाब नंबर फाइव, बाब नंबर सिक्स, सेवन, एट, सिक्स, सेवन, एट आप इस पेज पर देख सकते हैं। नफ्सियात, बाब नंबर वन और बाब नंबर टू इस पेज पर नफ्सियात का। बाब नंबर थ्री और बाब नंबर फोर
बाब नंबर 5 नफ्सियात का, उसके बाद बाब नंबर 6 और 7 बाब नंबर 8 और 9 ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के मतलब नफ्सियात के। फैन आर्ट्स के बच्चे बाब नंबर 1 बाब नंबर 2 इस पेज पर देख सकते हैं, बाब नंबर 3 बाब नंबर 4 बाब नंबर 5 बाब नंबर 6 बाब नंबर 7। फारसी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये पूरा सिलेबस 10 नज़में वगैरह दी हुई हैं, बल्कि पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है आप लोगों को। फारसी के बच्चे देख सकते हैं यह सिलेबस। फारसी का हिस्सा ग्रामर, हालात निगारी, सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस इस्लामिया अख्तियारी। इस्लामिया अख्तियारी के बच्चे जो हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये टोटल सिलेबस है इस्लामिया अख्तियारी का, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पंजाबी, पंजाबी का सिलेबस जो चैप्टर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये बाकी हिस्सा नज़म, खुलासे मज़ामीन हयाती वगैरह, होम मैनेजमेंट टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4 होम मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट ईयर का सिलेबस कॉमर्स और आर्ट सब्जेक्ट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।